ओके okay, नाव ये अभी क्या है ये प्रोटोकॉल से ठीक है प्रोटोकॉल से ऐसा मैंने बताया आप लोग को कि ये सेट ऑफ रूल्स होता है इतना ध्यान में रखो स्टूडेंट सेट ऑफ क्या होता है रूल्स होता है ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओके okay, प्रोटोकॉल पूछा तो हमेशा सेट ऑफ रूल्स बोलना है और जो सेट ऑफ रूल्स कहीं किसके लिए जो कि रूल आउट करता है आपका कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट और सर्वर और बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन ए नेटवर्क ये ध्यान में रखना है आपको ओके okay? प्रोटोकॉल इज वर्ड सेट ऑफ रूल दैट गवर्नस द कम्युनिकेशन ये इंपॉर्टेंट है पूरा वर्ड इम्पॉर्टेंट पूरा सेंटेंस ही इंपॉर्टेंट है आपको इधर से ठीक है इसमें से गारंटीड पूछते हैं इन लोग एक तो फिलअप पूछेंगे मैचअप पूछ सकते हैं कुछ भी मतलब ठीक है तो दैट मीन्स प्रोटोकॉल क्या है एक सेट ऑफ रूल है ओके दैट गवर्नस द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क इन ऑर्डर टू हैव टू कंप्यूटर्स टू टॉक टू ईच अदर दे मस्ट बी स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज ओके सेम लैंग्वेज भी स्पीक करना चाहिए ये भी एक ध्यान में रखना पड़ेगा आपको ऑफ प्रोटोकॉल्स क्या है आपका जैसे कि टीसीपी आई पी टीसीपी आईपी है आपके पास ठीक है दैट मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल ये क्या करता है आपका जो भी डेटा पैकेट्स आया रहता है उसको क्या करता है मैसेज को ब्रेक डाउन करता है मतलब ये एक डेटा पैकेट आया इसमें हैलो करके हैलो वर्ल्ड करके है ना तो ये क्या करेगा इसको दो टुकड़ों में बांट के भेजना शुरू कर देगा एक होगा हैलो और दूसरा होगा वर्ल्ड ठीक है ना ऐसा ओके तो ये ऐसे हो सकता है आपका सो यू कैन सेट दैट इट ब्रेक डाउन द मैसेज इन टू पैकेट्स एंड सेम देम आउट इन टू द नेटवर्क ठीक है तो नेटवर्क में भेजता है फिर डी एक फैक्टर होता है डी मतलब डोमेन नेम सिस्टम होता है ठीक है जो कि आपका जो नेटवर्क एड्रेस को ट्रांसलेट करता है ओके जो कि ह्यूमंस जो होते हैं पर्टिकुलर्स होते हैं वो उसको जानते हैं एज अ डोमेन नेम्स जैसे कि अगर बोलो www.google.com ठीक है ना या डॉट ए यू ए यू मतलब ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया का एफ एल मतलब डॉट एफ एल हुआ तो फिनलैंड का आ गया ओके तो डॉट यू एस बोला तो यूनाइटेड स्टेट का आ गया ठीक है ना यूनाइटेड स्टेट्स तो ऐसा सब यू कैन से डोमेन नेम सिस्टम डोमेन नेम स्पेस ये सब होता है बहुत कुछ होता है उसके अंदर ये सब है फिर डी एच मतलब डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेट एड्रेसेस को कॉन्फ़िगरेशन जो करते हैं कंप्यूटर्स और यूजर्स का असाइन होता है पर्टिकुलर एक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन असाइन होता है वो होता है डीएचसी एफ मतलब फाइल ट्रांसफर करने के लिए एक प्रोटोकॉल लगता है ओके दैट इज़ यूज टू ट्रांसफर मैनिफ्रेड फाइल्स ऑन इंटरनेट इंटरनेट पे एच मतलब हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ये भी एक इंटरनेट बेस्ड प्रोटोकॉल है जिससे कि हम सेंड और रिसीव कर सकते हैं मैसेजेस वेब पेजेस मतलब वेब पेजेस के मैसेजेस यू कैन से फिर बाद में आई मैप दैट इज इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल ये प्रोटोकॉल क्या करता है जाहिर सी बात है मैसेजिंग है तो ई मैसेजेस जो होता है ये सर्वर से इंटरनेट के थ्रू आपको ला के देता है मतलब एक कॉपी वगैरह रखता है और ला के देता है आपको जो जी वगैरह होता है ना वैसे ही है ई मैसेजेस इतना ध्यान में रखो आई मतलब ई मैसेजेस ओके एस मतलब सेंड और रिसीव मैसेज एफ मतलब ट्रांसफर ऑफ फाइल्स ऐसे ध्यान में रखो और ये मतलब कॉन्फिग्रेशन ठीक है फिर आई आर मतलब इंटरनेट रिले चैट ओके okay? ये किसके लिए यूज होगा इंटरनेट चैट एंड अदर कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है फिर पी ओ पी दैट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इस ये भी किसके लिए अगेन ईमेल का रिसीविंग के लिए रिमोट मेल सर्वर से आपको लगता है जैसे जीमेल वगैरह होता है ना उसमें जो मेल आते हैं मेल जाते हैं वो सब यू कैन से ई मेल्स वगैरह मतलब रिमोट मेल सर्वर से लेने के लिए काम में आते हैं ठीक है okay. फिर वाला एस एम टी पी मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ठीक है तो ये क्या करता है ये भी ई मेल मैसेजेस सर्वर और इंटरनेट से मतलब सर्वर से आपको इंटरनेट पे देने के लिए काम में आता है ठीक है मतलब मेल मेलिंग टेक्निक ही है ये वाला फिर आई टी अनेबल सर्विसज ओके आई टी अनेबल सर्विसज मतलब जो भी है जैसा अभी बी पी ओ सेक्टर्स में के पी ओ सेक्टर्स में मतलब जैसा टेली मार्केटिंग हो गया उधर भी आई टी लगने वाला है बैंक में हो गया आई टी लगने वाला है ऐसा नहीं कि वो कंप्लीट सॉफ्टवेयर वहाँ पर डेवलप होता है वैसा नहीं होता है एक सॉफ्टवेयर रहता है उस पर काम किया जाता है तो उसमें आई टी का जो भी है सर्विसेज लगता है वो आप बोल सकते हो तो मतलब आई टी एनेबल्ड सर्विसेस आई टी ई एस बोलते हैं ठीक है जैसा बी पीओ के पी ओ होता है ना वो सब उसमें आता है मतलब बैंक ऑफिस का काम हो गया उसमें भी कैसे आई टी का कुछ लगता है ठीक है ना तो आप लोग वो सब बोल सकते हो या मैनेज करना जो भी होता है <coughs> सॉरी जो मैनेज करना होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सी आर एम वगैरह सॉफ्टवेयर होता है डेटा बेस होता है ठीक है ना उसमें जो इन्वॉल्वमेंट करके आपको काम करना रहता है वो सब इसमें आ जाता है आपका ठीक है और इससे क्या होता है यू कैन से एफिशिएंसी भी बढ़ता है आपके काम का और जो बोलते हैं ना सॉफ्टवेयर में काम नहीं मिल रहा है काम नहीं मिल रहा है तो आप आई टी एनेबल्ड कंपनीज में भी काम कर सकते हो और यहाँ पे दो फॉर्म्स लेता है ये एक डायरेक्ट इम्प्रूवड सर्विस है इन इनडायरेक्ट इम्प्रूव सर्विसेज होता है इनडायरेक्ट बेनिफिट्स के हिसाब से भी एक चलता है ठीक है ये ध्यान में रखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है ध्यान में रखो पर ये थोड़ा ध्यान में रखो अभी ये इंपॉर्टेंट है दैट इज़ अ पॉपुलर आई टी सर्विस क्या है जैसे कि मैंने बताया बी मतलब कॉल सेंटर बी में आ जाता है बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग ये सब होता है फिर बाद में इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन भी एक होता है डेटा सेंटर्स होता होता है होता है मैपिंग जो आपका गूगल मैप्स मैप्स होगा हियर हो गया ये सब क्या है आपका यू कैन से जी आई का ही है ओके okay? जी आई एस मतलब जीपीएस सिस्टम्स के हिसाब से रोड्स वे जैसे आप चलते हो वगैरह वो सब मैप में दिखाता है ऑनलाइन वो सब ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग नॉलेज मैनेजमेंट एंड आर्काइविंग ओके ये सब है फिर करियर्स क्या है आई में करियर्स बोले तो वेब डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना ओके बाद में उसके लिए क्या चाहिए एच का नॉलेज चाहिए पी का नॉलेज चाहिए वगैरह वगैरह फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनते जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप करते हम लोग ओके okay, स्क्रिप्टिंग स्किल्स होता है बहुत कुछ होता है तो वो सब नॉलेज लेना ओके okay, शीशा या डॉट नेट का या जावा कोडिंग वगैरह सब मतलब आना चाहिए फिर डेटा बेस मैनेजर में ओरैकल आना चाहिए एस क्यूल लाना चाहिए पी एल एस क्यूल आना चाहिए और इसमें तो वैसे देखा जाए तो सादा आपको देखेंगे अगर आपके लेवल पे अभी ट्वेल्थ के लेवल पे तो एस क्यू तो आना चाहिए आपको so यू कैन से तो दैट मीन्स डेटा बेस मैनेजमेंट वगैरह ये डेटा बेस मैनेजर से एस क्यू का स्किल्स लेके अपन डेटा देड़ागे, टेबल डेटा बेस में टेबल क्रिएट करो टेबल डिलीट करो टेबल में डेटा इंसर्ट करो ठीक है ना ये सब होता है फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट ओके okay, इन्फॉर्मेशन जो है आपका उसका सिक्योरिटी कैसा रखना है वो सबका एनालिसिस भी करने के लिए बंदे होते हैं ठीक है ना मतलब जो भी जिसको कुछ नॉलेज नहीं रहेगा तो वो क्या कैसे भी अगर यूज कर देगा तो डेटा लॉस हो सकता है ठीक है ना तो वो भी हो सकता है और एक्सटर्नल थ्रेड्स भी आ सकते हैं वगैरह तो वो जो भी बाहर की जो हैकिंग वगैरह उससे बचने के लिए यू कैन से इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस कैंपेन्स के लिए सिक्योरिटी एनालिस्ट रखा जाता है फिर प्रोफेशनल अकाउंटेंट ये तो पता ही है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ओके okay, जो आपका ये है लेबर ऑफिस बेस है अपना सॉरी जी एस टी अकाउंटिंग है जी uh, खाता है ये सब जो एप्लीकेशंस है टैली है ओके okay, ये सब यू कैन से प्रोफेशनल अकाउंटेंट के हिसाब से आपको वो भी आना चाहिए फाइनेंशियल एडवाइज़र ओके आईटी नॉलेज होना ही चाहिए ओके फाइनेंशियल एडवाइज़र को भी थोड़ा सा तो भी होना चाहिए ठीक है ना तो ये भी हो गया फिर साइबर एडवाइज़र ओके जो कि साइबर तो पता है साइबर क्राइम होता है वो सब अवॉइड करने के लिए एनिमेटर गेम्स वगैरह बनाने के लिए ठीक है जैसे कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर जिम वगैरह इन सेप वगैरह बना के एक छोटा सा एनिमेटिव इमेज बना दिया आप जो व्हाट्सअप में आते हैं वो सब वैसा एनिमेटर गेम्स डेवलपर एंड्रॉयड गेम्स वगैरह होता है आई गेम्स होता है ठीक ना गेम डेवलपर की पोजनस पर ओके okay? तो बहुत सारा गेम्स वगैरह ऑनलाइन टैबलेट्स वगैरह इसमें फ़ोन्स वगैरह चलने के लिए जो गेम डेवलप करते हैं वो वाला गेम डेवलपर भी बन सकते हो ऑडियो और वीडियो ऑडिटर भी बन एडिटर भी बन सकते हो वीडियोस जो बनते हैं ओडा सिटी में आप ऑडियो का जो बैकग्राउंड नॉइस अगर आ रहा है तो उसको रिमूव करके यू कैन से अच्छा ऑडियो बना सकते हो तो ओडा सिटी सॉफ्टवेयर से बनता है तो वो भी एक अच्छा करियर है यू कैन से ठीक है ना तो यहाँ पे अभी देखते हैं रिसेंट ट्रेंड्स इन आई ठीक है रिसेंट ट्रेंड्स इन आई तो ये जो है रिसेंट ट्रेंड्स uh, देखेंगे तो इसमें क्या आ जाता है आपका यू कैन से ग्रीन कंप्यूटिंग ओके Uh, ये एक आता है फिर आई uh, आता है फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग बहुत कुछ आता है जैसे मैंने पहले एकदम फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको ठीक है ना तो वैसे ही है दैट मीन्स ग्रीन कंप्यूटिंग इज वॉट जो भी आपका एनवायरमेंटली सस्टेनेबल जो भी कंप्यूटिंग एनवायरमेंट uh, रहता है उसका स्टडी होता है एक्चुअली ठीक है तो ग्रीन कंप्यूटिंग मतलब क्या होता है जो हजारस uh, मटेरियल्स का यू कैन से यूसेज जो होता है वो रिड्यूस करना फिर एफिशिएंसी वगैरह मैक्सिमाइज करना ठीक है ना फिर रिसाइकल करना या बायोडिग्रेडेशन ऑफ नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट्स एंड फैक्ट्री वेस्ट वगैरह रिसाइकल करना ये सब आप बोल सकते हो ग्रीन कंप्यूटिंग क्या है ऑल क्लासेस ऑफ सिस्टम रेंजिंग फ्रॉम हैंडहेल्ड टू लार्ज स्केल हैंडल मतलब आपके फोन्स वगैरह जैसा है उस हिसाब से ठीक है देन आपका आ गया यहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स दैट इज़ आई ठीक है आई ओ ये क्या होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो भी आपका नेटवर्क जो फिज़िकल डिवाइसेस का नेटवर्क्स होता है व्हीकल्स होते हैं गाड़ी वगैरह होम अप्लाइंस वगैरह एक्चुएटर्स सेंसर्स एलेक्ट्रॉनिक्स सॉफ्टवेयर्स वगैरह से इन लोग क्या करते हैं एम्बेड करा के मतलब यू कैन से दे आर एम्बेडिंग टू कनेक्ट विद वेरियस डिवाइस एंड टू कलेक्ट एंड एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन ऑल्सो ओके अराउंड द सिस्टम्स जो भी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स होंगी ठीक है ना उसमें एक पर्टिकुलर एफिशियंसी या इम्प्रूवमेंट्स करके आप क्या कर सकते हो ह्यूमन का इंटरवेंशन रिड्यूस करा सकते हो मतलब इंसान कम उसमें इन्वॉलमेंट हो सके ऐसा क्लाउड कंप्यूटिंग सबको पता है जो भी आपका अगर यहाँ पे मोबाइल में रेडमी नोट मोबाइल्स में आपको पता है एम आई क्लाउड होता है तो वो क्या करता है आपके मोबाइल्स में अगर डेटा फिक्स हो गया या फुल हो गया तो वो क्या करता है क्लाउड में चला जा, जाने के लिए बोलता है उसमें मेंबरशिप लेने बोलता है उसमें पेमेंट करके स्टोरेज स्पेस लेने को बोलता है क्लाउड स्टोरेज स्पेसेस बोलता है ठीक है ना मतलब वो एक स्टोरेज डिवाइस यू कैन से एट सर्वर साइड पे स्टोरेज डेटाबेस होता है या नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर सब कुछ बट मेन आप ध्यान में रखो सर्वर एक स्टोरेज सर्वर होता है वहाँ वो क्लाउड कंपे तो और वो सब मतलब क्लाउड स्टोरेज होता है और वो सब का जो भी सर्विसेस है उसका नेटवर्किंग उसका सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी पढ़ना है डील करना है वो सब क्या आता है क्लाउड कंप्यूटिंग में आता है देन डेटा एनालिटिक्स ओके डेटा डेटा का एनालिसिस करना ओके okay? जो भी डेटा आया उसको एग्जामिन करके उसका एक पर्टिकुलर कंक्लूजन वगैरह निकाल के रॉ डेटा लेके उसको प्रोसेस करके फाइनलाइज करके आप स्पेशलाइज सिस्टम सॉफ्टवेयर को दे सकते हो बेसिकली ठीक है ना तो ये सब आपका इसमें आ जाता है तो डेटा एनालिटिक्स इज वॉट टेक्नोलॉजीज एंड टेक्निक्स आर वाइडली इन कमर्शियल इंडस्ट्रीज में बहुत सारा यूज़ करते हैं जो भी बिज़नेस डिसीजंस वगैरह लेते हैं हम लोग कस्टमर्स का डेटा हो गया या जो भी है तो कैसे वेरिफिकेशन वगैरह करके हम लोग उसको एक पर्टिकुलर मॉडल में डालते हैं ठीक है ना और उसको प्रोसेस करते हैं बाद में वो सब होता है फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब जो भी आजकल का जो सिस्टम्स है वो उसको रोबोटिक्स में जो आ रहा है ठीक है ना मतलब आपका जो रोबोट होता है ठीक है ना वो रोबोट क्या करता है सब ऑटोमेटिक टास्क टास्क मतलब एक ह्यूमन का ऑटोमेट टास्क करता है ओके इट इन ऑटोमेट्स द ह्यूमन टास्क ठीक है ना वही सिंपल आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है मतलब कंप्यूटर साइंस जो होता है इतना आगे विकसित हो रहा है

जो है एल्गोरिदम्स और स्टेटिस्टिकल मॉडल्स जो है कंप्यूटर सिस्टम्स का वो करोगे जैसे ही आप कंप्यूटर साइंस वगैरह लोगे या कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह लोगे तभी आपको पूरा डीप में आपको एक एक सब्जेक्ट uh, एक मोटी मोटी बुक्स ही आएंगी इसके ऊपर जैसा ए के ऊपर एक सब्जेक्ट आएगा उसके ऊपर इतना हजार बारह सौ का बुक रहेगा मशीन लर्निंग का भी इतना मोटा बुक रहेगा एक अलग ही सब्जेक्ट रहेगा तो ये सब उसमें आपका आ जाता है मतलब ये भी वही हुआ ह्यूमन इंटरवेंशन का जो इन्वॉलमेंट कम करके रोबोटिक्स में कन्वर्ट करके मतलब डेटा साइंस का मदद से बिग डेटा के मदद से सब डेटा लेके यू कैन से वो एक ऑटोमेट uh, करना सिस्टम को ठीक है ना और ये बोल सकते हो आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसेट का पार्ट है मतलब उसका ये सब मदद से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अप्लाई करके यू कैन इन्वेंट द रोबोट्स एंड ऑल बिग डेटा मतलब जहाँ भी डेटा सेट्स जो है मतलब मैक्सिमम डेटा Uh, जो भी मैनेज uh, करना होता है ओके okay, जहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा जा, ज़्यादा डेटा होता है कॉम्प्लेक्स होता है ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग जो भी होता है यू कैन से ये यहाँ पे सब बिग डेटा में होता है ठीक है डेटा विथ मेनी केसेस विथ ऑफर ग्रेटर ग्रेटरस्टिशनल पावर वाइल्ड डेटा दिस कॉम्प्लेक्सिटी एंड मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स डेटाज़ वगैरह है या डेटा प्रोसेसिंग जो भी हो रहा है बड़ा बड़ा डेटाज होता है वो सब बिग डेटा के अंदर होता है जैसे कंपनी के बड़े बड़े डेटा डेटा होती हैं तो उसको प्रोसेस करना एनालिसिस करना और उसका स्टैटिस्टिकल व्यू uh, रखना ये सब इसमें आपका आ जाता है फिर ब्लॉक लास्ट का है ब्लॉक मतलब ये भी एक यू कैन से एक टाइप ऑफ यू कैन से टेक्नोलॉजी ही है जो कि यू कैन से आपका ये ब, बोलते हैं ना बिट कॉइंस वगैरह जो फाइनेंशियल uh, ट्रांजेक्शन होती है ना तो उसमें जाहिर सी बात है क्या होना चाहिए सिक्योरिटी होनी चाहिए ओके okay, सिक्योरिटी होनी चाहिए डेटा uh, स्क्रूटिनी नहीं होना चाहिए ओके okay, तो वो जो होता है वो सब ब्लॉकचेन के अंडर आता है मतलब डेटा सेव करते सिक्योर करते और जो ट्रांजेक्शनल अमाउंट वगैरह होता है या ट्रांजेक्शन जो होती है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जैसा बिटकॉइन हो गया ठीक है तो ये सब जो होता है यूजिंग क्रिप्टोग्राफी ये सब एनक्रिप्टेड होता है ओके एनक्रिप्टेड होता है एनक्रिप्टेड मतलब छुपा हुआ होता है मतलब सामने हैकर वगैरह को नहीं पता चलेगा तो इतना सब आगे बड़ा बड़ा लेवल पे एनक्रिप्शन होता है डेटा का ठीक है ना तो ये वही है आपका दैट इज इट इज अ ग्रोइंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड ब्लॉक्स कॉल्ड ब्लॉग्स विच लिंक यूजिंग क्रिप्टोग्राफी इट कैन बी डिफाइंड एज डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज एंड एंड लेजर ठीक है स्टूडेंट्स तो ये था फिर समरी में दिया हुआ देखो डेटा क्या हो सकता है कैरेक्टर हो सकता है टेक्स्ट हो सकता है रॉ फैक्स ये भी फिलअप से पूछ सकता है आई क्या करता है इन्वॉल्व ऑल द टेक्नोलॉजी दैट वी यूज टू कलेक्ट प्रोसेस प्रोटेक्ट एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम उसमें होता है कि वो कैसे वर्क करेगा वो सब एक कंप्यूटर सिस्टम होता है उसको वर्क कैसे कराना है या करने वाला है वो वैसा फिर कंप्यूटर हार्डवेयर मतलब फिजिकल जो कॉम्पोनेंट्स लगती है कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर मतलब इंस्ट्रक्शन एक पर्टिकुलर हार्डवेयर को देने के लिए पर्टिकुलर uh, काम कराने के लिए या टास्क कराने के लिए कंप्यूटर स्टोरेज मेमोरी के हिसाब से देखे तो मेगाबाइट्स बाइट्स पेटाबाइट्स बहुत कुछ देखा आपने कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है क्लासिफाइड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब विंडोज वगैरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब एमएस ऑफिस वगैरह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये क्या है फ्री सॉफ्टवेयर होता है आपको फ्रीली कॉपी करने को मिलता है क्लोज सॉफ्टवेयर मतलब पैसा देना पड़ता है देखो पेड वंस होता है जीएन यू ये सब देखा हम लोग ने फ्री रहता है ओके okay, इसमें दो टाइप का है जी जी ओ आई एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं और इसको कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं ठीक है इंटरनेट मीन्स वोट कनेक्टिव कंप्यूटर

फिर करियर अपॉर्चुनिटीज जो हम लोगों ने देखे ए वगैरह मशीन लर्निंग वगैरह वगैरह ठीक है तो ये सब इसके लिए बोलता हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका समरी जो होता है ठीक है ना तो समरी हमेशा ध्यान से पढ़ना है आपको अच्छे से सीखना है स्टूडेंट्स सो स्टूडेंट्स मैंने ये चैप्टर uh, यहाँ पे कंप्लीट कर दिया आपका इसके बाद में एक्सरसाइज यहाँ पे आपका uh, ये करने वाला हूँ ठीक है कंप्लीट कराने वाला हूँ और इसके पहले मैंने सेकेंड चैप्टर का एक्सरसाइज सेकेंड चैप्टर फुल मैंने अपलोड कर दिया है आप लोग जाके देख सकते हो इसके इस वीडियो के आई बटन में या लास्ट में एंड स्किल्स वगैरह दे सकते हो और ये वाला जो चैप्टर है अभी फुल कंप्लीट कर दिया अभी बस इसका पूरा प्ले मैं डाल रहा हूँ पिछला वीडियोस भी देख सकते हो आप इसमें एंड ये एक्सरसाइज सोल्यूशन भी मैं इसमें देने वाला हूँ फिर आप चैनल में बने रहें सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को एंड लाइक कर दीजिए वीडियो को फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड ऑल एंड सब्सक्राइब uh, कर दीजिए उसके लिए बट लाइक करिए अगर अच्छा लगे तो आपको फॉर मोटिवेशन फॉर मी एंड डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड स्टूडेंट्स ओके सो दैट दे कैन मेक हेल्प फ्रॉम दिस वीडियोस एंड इसके बाद का जो एस ओ का भी वीडियोज मैं डालने वाला हूँ तो तब तक आप लोग चैनल में बने रहे ठीक है सो स्टूडेंट्स विल रैप अप अपर हियर टिल देन थैंक यू हैव हैवे गुड डे